वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग जेरार्ड गोम। सो आज जो गाड़ी मेरे सामने है, दिस इज दी ऑल न्यू 2022 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। ये जो वेरिएंट है गाइस, दिस इज दी अल्फा वेरिएंट विच कम्स विद द 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, द K15 इंजन। दिस कार इज ब्रॉट टू यू बाई नेक्सा सनाई मोटर्स विच इज सिचुएटेड इन साइंस सिटी कोलकाता। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शोरूम इज दैट यू विल गेट द बेस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस फ्रॉम दिस शोरूम। और एक चीज गाइज, इफ यू वॉन्ट टू परचेज एनी कार फ्रॉम नेक्सा, यू कैन कम टू दिस शोरूम। द शोरूम लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड द पर्सन यू नीड टू कॉन्टैक्ट, द नंबर विल ऑल्सो बी गिवन ओवर हियर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट द पर्सन। एंड गाइज, वन मोर थिंग, इफ यू यूज दिस कोड, द कोड विल कम हियर, इफ यू यूज दिस कोड you will get the best of discounts from Nexa on any car that you buy, not only the Grand Vitara but any car that you buy from Nexa Science City, you will get the best of discounts. So use this code guys, if you come here then use this code as reference and they will give you the best of discounts that you require. So abhi guys, is gaadi ke bare mein baat karte hain. Is gaadi ka main aaj pura aapko ek walk around de dunga, its exterior, interior aur kya kya features aapko is gaadi mein mil jata hai, I will definitely talk to you about that. So if I talk about the front guys, the front is absolutely beautiful on the Grand Vitara because isme you get this huge chrome finish on the front grill and with the Suzuki logo over here, and this car has 360 degree camera, so the front camera is over here. And as you can see, the grille design is very similar to the Maruti Baleno. There are certain things which is very derived from the Maruti Baleno, that is this thing, the DRL is very similar to the Maruti Baleno and it looks really really nice. Yahan par aapko projector setup mil jata hai on the headlamps, aur high or low beam dono hi aapka projector hai, and you get this in this matte black housing. नीचे आपको यहाँ पर ये ग्रे कलर का आपको सामने का स्किड प्लेट बोल सकते हो यहाँ पर, ये आपको मिल जाता है विच गिव्स द फ्रंट बम्पर अ वेरी गुड लुक। सामने आपको कोई पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है बट दैट इज़ टोटली फाइन। एंड द बॉनेट एज यू कैन सी इट इज़ वेरी ह्यूज, द बॉनेट इज़ एब्सोल्युटली ह्यूज एंड यू गेट दिस नाइस हॉन्च ऑन द बॉनेट। सो सामने से द ग्रैंड विटारा लुक्स वेरी बीफी एंड इट लुक्स वेरी वेरी मस्क्यूलर। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द ग्रैंड विटारा इज़ द फ्रंट लुक। This is very very different from other Maruti cars because this doesn't look like a normal Maruti car like we are used to seeing. ये गाड़ी बहुत European styling है इस गाड़ी का, so that is really really good from Maruti. अगर हम लोग साइड में चले जाए गाइस, साइड में यू गेट दिस वेरी मिनिमल बॉडी क्लैडिंग विच इज़ वेरी नाइस इन माई ओपिनियन, क्योंकि ये गाड़ी को ज़्यादा मतलब बल्की नहीं दिखाता है, सो इट इज़ रियली रियली नाइस। और एक जो बेनिफिट है इफ़ यू हैव स्मॉल व्हील क्लैडिंग इज दैट आपका जो टायर्स है दे लुक वेरी प्रोमिनेंट एंड आपका एलॉय जो है ये ज़्यादा मतलब आपका उभर के आता है, सो दैट इज़ वन वेरी गुड पॉइंट अबाउट मिनिमल व्हील क्लैडिंग। सो टायर्स के बारे में अगर बात करूँ गाइज, यू गेट अपोलो आर्टेरा टायर्स ओवर हियर एंड इसका जो प्रोफाइल है दैट इज़ 215/60R17, सो आपको 17 इंच टायर्स मिल जाता है इस गाड़ी में एंड यू गेट दिस डायमंड फिनिश ऑन द टायर्स, सो रियली रियली नाइस। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है एंड यू कैन सी द सस्पेंशन ओवर हियर। यहाँ पर अगर विंग मिरर्स हम लोग देखेंगे दैट इज़ इन बॉडी कलर एंड यू गेट द लेफ्ट साइड 360 डिग्री कैमरा ओवर हियर। यहाँ पर आपका गाड़ी का जो बेल्ट लाइन है दैट इज़ इन क्रोम, सो दिस गिव्स इट अ वेरी प्रीमियम फिनिश। और साइड में ये किंक नहीं होता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर आपको फ्यूल लिड का ओपनर मिल जाता है एंड द फ्यूल लिड कैपेसिटी इज़ 45 लीटर्स। पीछे और एक जो चीज़ है गाइस, पीछे भी आपको सेम प्रोफाइल और सेम डिज़ाइन मिलता है अलॉय में, बट पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, सो ऑन द सेफ्टी फ्रंट इट्स रियली रियली नाइस। और सस्पेंशन ट्रैवल आप देख सकते हो, द व्हील आर्च इज़ वेरी स्क्वेरिश, सो ज़्यादा राउंडेड नहीं है, स्क्वेरिश है। सो साइड से द ग्रैंड विटारा लुक्स रियली रियली नाइस और इसका जो रोड प्रेजेंस है दैट इज़ ऑल्सो रियली नाइस। पीछे अगर हम लोग देखेंगे गाइस, द पीछे तो ग्रैंड विटारा इज़ रियली रियली नाइस लुकिंग एंड इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर मारुति कार्स। सो यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा का बैजिंग मिल जाता है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द ग्रैंड विटारा इज़ द टेल लाइट्स। सो यहाँ पर आपको ये फुल LED फिनिश मिलता है ऑन द टेल लैम्प्स, मतलब जो रियर स्टॉप लैम्प है, एंड ये आपका थोड़ा डिराइव्ड है फ्रॉम द Porsche, सो इट लुक्स वेरी वेरी सिमिलर टू अ Porsche बट ऑब्वियसली वेरी वेरी रेडिकल फ्रॉम मारुति सुजुकी। यहाँ पर आपका जो टर्न इंडिकेटर्स और जो रिवर्स लाइट है दैट इज़ इन हैलोजन। यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यू गेट 4 पार्किंग सेंसर्स, दो आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड दो आपका उस साइड में आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड यू गेट अ रियर वाइपर अलॉन्ग विद अ डिफॉगर वॉशर एंड अ हाई माउंट स्टॉप लैम्प। वहाँ पर आपको एक शार्क फिन एंटेना मिल जाता है एंड गाइस दिस इज़ द फर्स्ट फ्रॉम मारुति यू गेट अ ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ। सनरूफ मारुति ब्रॉट इट इन द मारुति ब्रेजा बट वो नॉर्मल आपका सनरूफ था, दिस इज अ पैनोरामिक सनरूफ एंड दिस इज द फर्स्ट फ्रॉम मारुति। सो वो मैं जब अंदर जाऊँगा मैं आपको वो दिखा दूंगा। सो अभी थोड़ा बूट स्पेस चेक करते हैं गाइस। सो द बूट स्पेस इज समवेयर वेयर आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। सो इफ आई ओपन दिस, सो बूट स्पेस एज यू कैन सी इट्स रियली
वाइड, यहाँ पर आपको कोई लोडिंग लिप नहीं मिलता है, सो दैट्स अ रियली प्लस पॉइंट। यहाँ पर आपको पॉकेट्स मिल जाता है दोनों साइड में टू स्टोर थिंग्स। यू गेट अ लाइट ओवर हियर, यू गेट अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है सीट में, एंड इफ आई ओपन दिस देन यू गेट अ स्टेपनी टायर। बट द बेस्ट थिंग अबाउट द स्टेपनी टायर इज दैट ये अलॉय नहीं है, ये स्टील है, बट इट्स अ फुल साइज स्टेपनी टायर। ये आपका 215/60 R17, सो इज द सेम प्रोफाइल एज द अदर फोर टायर्स ऑन द व्हील्स, सो रियली रियली नाइस। और यहाँ पर आपको एक पार्सल शेल्फ मिल जाता है, सो इफ आई क्लोज द डिक्की ओवर हियर, सो साइड से एज यू कैन सी द ग्रैंड विटारा लुक्स रियली रियली प्रीमियम गाइस। नॉर्मली वी आर यूज टू सीइंग ऑल्टोज एंड स्विफ्ट एंड बलेनोज ऑन द रोड फ्रॉम मारुति, बट दिस इज अ टोटली रेडिकल चेंज फ्रॉम मारुति सुजुकी, एंड आई होप दैट दिस कार रियली डज वेल इन द इंडियन मार्केट अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक द हुंडई क्रेटा, फोक्सवैगन टाइगून एंड ऑल द अदर कॉम्पिटिटर्स दैट आर देयर। So let me know in the comment section guys, what do you think about the Grand Vitara, how it will do in the Indian market, do let me know in the comment section। और एक चीज़ जो है guys, ये जो variant है this is the 1.5 alpha variant, ये alpha plus नहीं है, alpha plus जो है वो आपका जो hybrid engine है उसमें आता है, so that review will come on my channel, so do subscribe for that। So अभी चलिए guys पीछे की seat में चलते हैं, और पीछे मैं आपको दिखा दूंगा कितना स्पेस आपको मिलता है और क्या क्या फीचर्स आर अवेलेबल ऑन द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा अल्फा वेरिएंट। सो नाउ लेट्स चेक आउट द बैक सीट। सो डोर्स के बारे में अगर बात करूं गाइस, देन द डोर्स आर रियली ऑफ प्रीमियम फिनिश। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदरेट फिनिश मिल जाता है विद दिस डुअल स्टिचिंग। ओवर हियर यू गेट दिस ग्लॉसी सिल्वर एक्सेंट विद क्रोम डोर हैंडल्स, एंड ओवर हियर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है अलॉन्ग विद द पावर विंडो स्विच। ओवर हियर यू गेट अ बॉटल होल्डर एंड सम स्पेस टू कीप योर फोन ओवर हियर, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाता है। इंटीरियर अगर मैं देखूं गाइस, देन द इंटीरियर इज ऑल्सो फिनिश्ड जस्ट लाइक द डोर पैच। यहाँ पर आपको लेदरेट फिनिश मिल जाता है विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और दिस इज इन दिस चॉकलेट फिनिश, मतलब ये मेरून फिनिश है, और यहाँ पर आपको ये ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मिलता है, एंड दिस इज परफोरेटेड फिनिश, सो रियली रियली प्रीमियम। सो चलिए गाइस अभी अंदर बैठ के देखते हैं। सो द बिल्ड क्वालिटी इज रियली नाइस एज यू हर्ड, द डोर्स क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड। सो ये जो ड्राइविंग सीट है गाइस, दिस इज एडजस्टेड टू अ मीडियम पोजीशन, ज़्यादा पीछे भी नहीं है आगे भी नहीं है, एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ लेग रूम दैट आई हैव। और एक जो अच्छा चीज़ है गाइस इस गाड़ी में कि आपका जो ड्राइवर और को पैसेंजर सीट है उसके नीचे आपको स्पेस मिल जाता है टू स्ट्रेच योर फीट, सो दैट्स रियली रियली कंफर्टेबल। और यहाँ पर आपको डुअल एसी वेंट्स मिल जाता है, यू गेट अ ब्लोअर कंट्रोल हियर, और यहाँ पर आपको डुअल चार्जिंग स्लॉट्स मिल जाता है, और एक आपका यूएसबी टाइप सी है और एक आपका नॉर्मल यूएसबी टाइप ए है। यहाँ पर आपको सीट में बैक पॉकेट्स मिल जाता है, सो दैट्स रियली रियली प्रैक्टिकल। विथ के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द विथ इज वेरी वेरी गुड, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू पीपल कैन सीट एब्सोल्युटली कंफर्टेबली, तीन पीपल भी बैठ सकते हैं, बट थोड़ा आपका स्क्वीज होगा इन लॉन्ग जर्नीस। और एक जो चीज़ अच्छा है गाइस इस गाड़ी में, यू गेट थ्री हेडरेस्ट, सो दैट्स अ रियली नाइस थिंग। एंड यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ, देन यू गेट ट्विन कप होल्डर्स ओवर हियर, सो प्रैक्टिकलिटी वाइज द बैक सीट इज रियली गुड। और यहाँ पर आपको या पैनोरामिक सनरूफ तो आप देख ही सकते हो, तो ये जब मैं आगे जाऊंगा मैं आपको दिखा देता हूँ, बट यू गेट रियली बिग दिस ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ, सो पीछे जो बैठते हैं उन लोगों को ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं जो कि हैलोजन फिनिश में। यू गेट डोर ग्रैब हैंडल्स अलॉन्ग विद द हुक, और ये ग्रैब हैंडल्स इज प्रेजेंट ऑन ऑल डोर्स एक्सेप्ट द ड्राइवर डोर। यहाँ पर आपको एयरबैग का सिंबल आप देख सकते हो, सो दिस कार हैज सिक्स एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, यहाँ पर दो एयरबैग्स है और सामने पैसेंजर और ड्राइवर साइड में एयरबैग है। सो दिस इज द फ्रंट लुक, सो आई जस्ट गो टू द फ्रंट राइट नाउ एंड आई विल शो यू व्हाट यू गेट एट द फ्रंट। सो फ्रंट डोर ओपन करने से पहले आई वांट टू शो यू गेट अ रिक्वेस्ट सेंसर। सो इस गाड़ी में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है ऑन बोथ साइड, इस साइड में भी और को पैसेंजर साइड में भी। तो इसको मैं अगर ओपन करूँ, देन यहाँ पर भी आपको वो सेम डुअल टोन फिनिश मिलता है। यू गेट दिस मरून फिनिश ओवर हियर एंड दिस इज फिनिश्ड इन ब्लैक। यू गेट दिस ग्लॉस सिल्वर एक्सेंट ओवर हियर अलॉन्ग विद क्रोम डोर हैंडल्स। यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोल्स मिल जाता है, और जो ड्राइवर साइड है दैट इज वन टच डाउन एंड वन टच अप। ये आपका विंडो लॉक का स्विच है, दिस इज योर सेंट्रल लॉकिंग, और यहाँ पर आपका बटन है टू कंट्रोल दी ORVM। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है अलॉन्ग विद सम स्पेस टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स। आपका स्पीकर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक ट्विटर का प्लेसमेंट मिल जाता है। सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द सीट्स आर रियली रियली प्रीमियम लुकिंग, आप देख सकते हो एकदम सोफा सीट्स लग रहा है, और दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल गाइस। मैंने खुद से इस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, सो आई एम रियली रियली कंफर्टेबल। एंड द अदर गुड थिंग इज दैट आपको साइड बोल्स्टरिंग आप देख सकते हो, सो दिस इज रियली रियली नाइस। और कॉन्टोरिंग इज ऑल्सो रियली गुड, यहाँ पर आपको परफोरेटेड फिनिश मिल जाता है अलॉन्ग विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं, यू गेट दिस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ओवर हियर विच इज सराउंडेड बाय दिस क्रोम फिनिश, सो दिस लुक्स रियली प्रीमियम। यहाँ पर आपको ये चॉकलेट कलर में, ये ब्राउन कलर है,
यहाँ पर आपको ये लेदरेट फिनिश मिल जाता है विद डुअल स्टिचिंग। यहाँ पर आपको 360 डिग्री व्यू का बटन मिल जाता है एंड ओवर हियर यू गेट द हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस। ये मैनुअल वेरिएंट है सो आपको तीनों पेडल यहाँ पर मिल जाता है अलॉन्ग विद द डेड पेडल ओवर देयर। और यहाँ पर आपका बोनेट और फ्यूल लिड ओपन करने का बटन आपको मिल जाता है। सीट्स में आपको मिल जाता है आपका सीट हाइट एडजस्ट, आपका बैकरेस्ट एडजस्ट और आपका सीट आगे पीछे करने का लीवर, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं है। सो नाउ लेट्स जस्ट सिट इनसाइड। सो लेट मी क्लोज द डोर गाइस। दिस इज द इंटीरियर ऑफ द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर आई वॉन्ट टू शो यू द की। सो दिस इज द की दैट यू गेट, वेरी नॉर्मल की फ्रॉम मारुति, एंड ये आपका गाड़ी लॉक और अनलॉक करने के लिए। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट द कार राइट नाउ, मतलब इग्निशन में कैसे लाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, सो यू जस्ट प्रेस दिस ट्वाइस। सो एक बार इसको प्रेस करेंगे, सो अभी गाड़ी आपका इग्निशन में है। सो नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द इंटीरियर ओवर हियर। सो इंटीरियर वाइज फर्स्ट इंप्रेशंस में अगर बोलूँ, इट इज एब्सोल्युटली प्रीमियम। मतलब अगर कोई देखेगा ना, देन दे विल नॉट से दैट दिस इज अ मारुति कार। मतलब इट इज नॉट अ बैड थिंग फॉर मारुति, बिकॉज पीपल नॉर्मली एसोसिएट मारुति विद मतलब नॉर्मल मास मार्केट कार्स, बट द इंटीरियर ऑफ द ग्रैंड विटारा इज वेरी वेरी प्रीमियम। यहाँ पर आपको डुअल फिनिश मिल जाता है ऑन द डैशबोर्ड, मतलब ट्रिपल फिनिश मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये हार्ड टच प्लास्टिक मिलता है, बट द क्वालिटी इज नॉट बैड, ये एकदम गुड क्वालिटी हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर आपको ये सिल्वर एक्सेंट मिल जाता है विच फ्लोज फ्रॉम हियर, सो ये एकदम पूरा फ्लो होता है यहाँ पर एंड इट जस्ट सराउंड ओवर हियर और इस साइड में आपका एंड हो जाता है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो यू गेट दिस लेदरेट फिनिश, सॉफ्ट टच लेदरेट फिनिश विद डुअल स्टिचिंग ओवर हियर, सो दैट्स अ रियली नाइस टच। और यहाँ पर ग्लव बॉक्स अगर मैं चेक करूँ, देन द ग्लव बॉक्स इज प्रीटी एडिक्वेट, बट यू डोंट गेट अ कूलिंग फंक्शन ऑन द ग्लव बॉक्स। स्पेस वाइज इट इज प्रीटी नाइस। यहाँ पर यू गेट द स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम विच फर्स्ट डेब्यूटेड ऑन द मारुति बलेनो, एंड दिस इज अ वेरी गुड यूनिट, मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको मास्टर कंट्रोल्स मिल जाता है, यू गेट दिस सिल्वर एक्सेंट विच इज अराउंड द हैजर्ड लाइट स्विच। यहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है अराउंड द एसी वेंट्स, और एसी वेंट्स क्वालिटी इज ऑल्सो रियली गुड, नॉट अ कंप्लेंट एट ऑल। यहाँ पर आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, दिस इज टू एडजस्ट योर ब्लोअर, ये टेम्परेचर के लिए है। ये आपका ऑटो एसी का स्विच है, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, या आप कहाँ पर एयर भेजना चाहते हो उसका है। ये आपका एसी ऑफ करने के लिए, दिस इज टू स्विच ऑन योर एसी, एंड ये आपका एयर सर्कुलेशन के लिए। नीचे यहाँ पर दो बटन आपको मिलता है, दिस इज योर ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन है टू टर्न इट ऑन और ऑफ, और ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। इस वेरियंट में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग इज अवेलेबल ऑन अल्फा प्लस एंड सीटा प्लस वेरियंट, इसमें आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर यू गेट अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट एंड यहाँ पर यू गेट अ यूएसबी टाइप ए पोर्ट। सो स्पेस वाइज इट इज रियली नाइस ओवर हियर, बहुत लंबा स्पेस है। आई होप कि मारुति यहाँ पर इस वेरिएंट में भी वायरलेस चार्जिंग दे देते हैं, बट आई गेस यू विल गेट इट आफ्टर मार्केट एज एन एक्सेसरी, सो दैट इज देयर। गियर लीवर, यू गेट अ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑन दिस कार विद दिस लेदर फिनिश आउटसाइड द गियर नॉब। यहाँ पर यू गेट अ स्मॉल स्पेस ओवर हियर टू कीप योर की। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है, यू गेट अ हैंड ब्रेक लीवर ओवर हियर एंड यू गेट दिस आर्मरेस्ट विच इज एडजस्टेबल, सो यू कैन एडजस्ट दिस आर्मरेस्ट एंड दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड इन दिस लेदरेट फिनिश, सो रियली रियली नाइस। आर्मरेस्ट के नीचे भी यू गेट सम स्पेस, सो यू गेट अ डीप स्पेस ओवर हियर, सो यहाँ पर आपका फोन वॉलेट ये सब आप रख सकते हो। सो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी वाइज मारुति हैज डन अ रियली गुड जॉब। यहाँ पर ऊपर मैं अगर देखूँ, यू गेट ऑटो डिमिंग IRVM ओवर हियर एंड मतलब जो साइज है दैट इज ऑल्सो प्रीटी नाइस। यहाँ पर यू गेट सनग्लास होल्डर, यू गेट लाइट्स ओवर हियर, कैबिन लैम्प्स। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का माइक्रोफोन रिसीवर मिल जाता है ओवर हियर, एज यू कैन सी ऑन द वाइजर यू गेट अ मिरर अलॉन्ग विद अ लाइट, एंड ओवर हियर ऑल्सो यू गेट अ मिरर अलॉन्ग विद अ लाइट। सो ओवरऑल ओवर हियर ऑल्सो रियली रियली प्रैक्टिकल फ्रॉम मारुति। इफ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग गाइज, द स्टीयरिंग इज फिनिश्ड इन दिस लेदरेट फिनिश, रियली रियली नाइस टू होल्ड, एंड दिस इज अ न्यू स्टीयरिंग फ्रॉम मारुति, दिस इज नॉट फ्रॉम द बलेनो और एनी अदर मारुति कार, दिस इज टिपिकली फॉर द ग्रैंड विटारा, सो दैट इज रियली रियली नाइस फ्रॉम मारुति। यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है टू एडजस्ट द इन्फोटेनमेंट सिस्टम ओवर हियर, और यहाँ पर आपका क्रूज कंट्रोल का बटन मिल जाता है। यू गेट दिस रियली नाइस मेटालिक फिनिश ओवर हियर, आपको यहाँ पर टेलीफोनी का कंट्रोल्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको एयरबैग मिलता है, वहाँ पर भी आपको एयरबैग मिल जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इन्फोटेनमेंट सिस्टम ओवर हियर। सो एवरीवन नोज दिस सिस्टम बाय नाउ गाइज, दिस वॉज फर्स्ट डेब्यूटेड ऑन द मारुति बलेनो, एंड अकॉर्डिंग टू मी गाइज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्लिकेस्ट सिस्टम दैट यू गेट ऑन एनी मास मार्केट कार्स राइट नाउ।
इफ आई इवन कंपेयर इट टू द कॉम्पिटिटर्स, दिस इज वेरी वेरी नाइस. इसका जो लेआउट है ना, दैट इज प्रीटी नाइस और एकदम मतलब एक प्रीमियम फील देता है. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. यहाँ पर आपको फ्यूल इकोनॉमी मतलब गाड़ी का जो टेलीमेट्री है वो यहाँ पर आपको दिखा देता है. यहाँ पर आपका दिखा देता है व्हीकल अलर्ट्स, वार्निंग्स, ये सब. आपको सुजुकी कनेक्ट मिल जाता है इस गाड़ी में, सो यू गेट कनेक्टेड कार्टेक ऑन दिस कार. सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फंक्शन, आई गेस मोर देन 40 फंक्शंस आर देयर ऑन कनेक्टेड कार्टेक. सो टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम मारुति सुजुकी. सो मारुति ऑल्सो मेक्स वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स अलॉन्ग विथ हुंडई एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट. सो यू गेट वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एपल कारप्ले, आप अपना फोन भी कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ आपको पेयरिंग मिल जाता है. सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी वेरी स्लीक यूनिट. आप देख सकते हो यू कैन स्क्रोल लाइक दिस. सो टच रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. और एक जो चीज मैं बोलना चाहता हूँ गाइज, इफ यू वॉन्ट टू रियली चेकआउट दिस सिस्टम देन यू गो टू अ नियर बाय मारुति शोरूम एंड यू चेकआउट दिस सिस्टम, बिकॉज देन आपको एक दूसरा ही फील मिलेगा. क्योंकि मैं तो कैमरा से दिखा रहा हूं, आपको एक मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू नहीं मिलेगा. सो यू गो टू अ शोरूम एंड यू चेक आउट दिस सिस्टम, इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. यहां पर अगर मैं देखूं द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो यू गेट एनालॉग डायल्स विच इज माई फेवरेट. यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर आपका स्पीडो है, बीच में आपको ये MID मिल जाता है. सो MID को अगर आपको कंट्रोल करना है देन यू प्रेस दिस नॉब ओवर हियर. सो यह भी आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रेंज और ये आपका ऊपर ग्राफ में आपको दिखा रहा है कितना किलोमीटर पर लीटर है. इफ यू प्रेस दिस देन ये आपका ड्राइविंग टाइम है, यह आपका किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड आपका ग्राफ में दिखाता है. नीचे आपका ड्राइविंग टाइम है, दिस इज योर आइडल स्टॉप टाइम और नीचे आपने कितना फ्यूल सेव किया है. दिस इज योर क्लॉक अलॉन्ग विथ योर डेट. यहाँ पर आपका जी फोर्स मीटर है, यहाँ पर आपका पावर और टॉर्क मीटर है एंड यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन और ब्रेक रियल टाइम में दिखाता है इन ग्राफ. और यहाँ पर आपका इंजन, मोटर और बैटरी. सो ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, सो बैटरी से कितना पावर जा रहा है, इंजन में, मोटर में कितना चार्ज हो रहा है, दैट यू विल गेट टू नो ओवर हियर व्हेन यू ड्राइव. ये आपका ब्लैंक स्क्रीन है. सो यहाँ पर आपको मिल जाता है आउटसाइड टेम्परेचर, दिस इज योर टाइम और यहाँ आपका ओडो रीडिंग है. ओडो रीडिंग अगर आपको चेंज करना है देन यू प्रेस दिस बटन ओवर हियर. सो इससे आपका ओडो रीडिंग चेंज हो जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो रियली नाइस. ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, आई रियली लाइक द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फ्रॉम मारुति. मुझे ज्यादा ये डिजिटल विजिटल मुझे अच्छा नहीं लगता. आई रियली लाइक एनालॉग डायल्स, बट दैट इज माई ओपिनियन. अगर आपका ओपिनियन दूसरा है देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की वॉट आर योर ओपिनियंस ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स दैट आर बींग प्रोवाइडेड ऑन न्यूअर कार्स इन द इंडियन मार्केट. सो और एक चीज जो है दैट इज द 360 डिग्री व्यू. सो इसको अगर मैं प्रेस करूँ गाइज, सो यहाँ पर आपका 360 डिग्री व्यू का पूरा व्यू आ जाता है. सो दिस इज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कार. इसको अगर मैं प्रेस करूँ तो ये गाड़ी का पूरा इंटीरियर से दिखा रहा है. या पॉज और प्ले भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. या आपका सब सेटिंग्स है रियर व्यू कैमरा का. सो सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, जो आपका मन मर्जी है. और यहाँ पर आपका ये सेटिंग्स है. सो इससे आप चेंज कर सकते हो आपका जो व्यू, ये सब जो है जैसे आपको चाहिए आप इस तरह से आप देख सकते हो. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द 360 डिग्री कैमरा. इफ आई टॉक अबाउट द कम्फर्ट ऑफ द सीट्स गाइज, द सीट्स आर एब्सोल्युटली कम्फर्टेबल. यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट इज रियली रियली नाइस. साइड पोस्टरिंग इज ऑल्सो रियली नाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था. ओवरऑल विजिबिलिटी इज ऑल्सो रियली गुड. सो वहाँ से आप विजिबिलिटी आप देख सकते हो. सो रियली रियली नाइस विजिबिलिटी एट द बैक. रियर व्यू मिरर अगर मैं देखूं गाइज, दिस इज ऑल्सो रियली नाइस. व्यू बहुत बड़ा है, सो पीछे आराम से आप देख सकते हो. और वहां पर भी अगर आप देखेंगे द साइड व्यू मिरर इज ऑल्सो रियली गुड. सो पीछे में विजिबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सामने भी अगर मैं देखूं गाइज, सामने आप देख सकते हो, यू कैन इजिली सी द बोनेट. दिस इज माई हाइट. सो बोनेट आप एकदम आराम से देख सकते हो और कॉर्नर्स जज करने में आपको कोई दिक्कत इस गाड़ी में आपको नहीं होगा. सो अंदर से गाइज जो है ना, ये गाड़ी ज्यादा बड़ा नहीं लगता है. बाहर से बहुत बड़ा लगता है, अंदर से व्हेन यू ड्राइव यू विल फील इट लाइक मतलब हैचबैक की तरह लगेगा. उतना आपको मतलब बड़ा गाड़ी नहीं लगेगा. सो अगर आप नया नया अगर आपने गाड़ी सीखा भी है तो आपको कोई चलाने में दिक्कत नहीं है. अभी जो मेन चीज आपको दिखाऊंगा वो है आपका पैनोरामिक सनरूफ. सो इसका जो कंट्रोल है गाइस वो आपको यहाँ पर मिल जाता है. सो इफ आई जस्ट प्रेस दिस बटन, सो आप देख सकते हो आपका पूरा जो सनरूफ है वो ओपन हो जा रहा है. पहले आपका सनब्लाइंड ओपन होगा, उसके बाद आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा. सो जस्ट वेट. सो एज यू कैन सी ये आपका वन टच है. सो मैंने इसको बटन को छोड़ दिया. सो एज यू कैन सी आपका पूरा ये ओपन हो जा रहा है. और एक बार अगर आपको इसको प्रेस करेंगे तो आपका पूरा एकदम पीछे तक इतना आपको स्पेस मिल जाता है. सो दैट दिस इज लाइक ह्यूज. मतलब पीछे जो बैठेंगे ना उन लोगों को कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग लगेगा ही नहीं. इसको अगर आपको बंद करना है देन दैट इज ऑल्सो वन टच. सो जस्ट प्रेस इट वंस और ये आपका बंद हो जा रहा है एज यू कैन सी. सो आपका सनरूफ इज क्लोजिंग. और फिर से अगर आपको ये प्रेस करेंगे तो आपका जो ये भी वन टच है, आपका जो सनब्लाइंड है दैट इज ऑल्सो क्लोजिंग. सो
सो या दिस वॉज द सनरूफ कंट्रोल. सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये पैनोरामिक सनरूफ कैसा लगा ऑन द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट मारुति लॉन्चिंग सनरूफ्स ऑन देयर न्यू कार्स. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अबाउट दैट. सो गाइज, दिस वॉज माई इंटीरियर रिव्यू, डिटेल्ड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, द न्यू ग्रैंड विटारा. सो अगर आपको ये इंटीरियर रिव्यू अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक विच इज द थम्स अप, बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल. So yeah guys, this was the interior review of the 2022 Maruti Suzuki Grand Vitara. So guys, this was my total detailed review of the 2022 Maruti Suzuki Grand Vitara. Agar aapko ye video acha laga, then don't forget to give this video a like which is the thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel because that is the main thing. And the other thing is that ye video aap zarur share kijiye, because there are various people who want to buy a compact SUV or rather a big SUV like this, so they can come down to Nexus Science City. The link will be given in the description box below, and यहाँ पर आपका code भी आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था video के शुरू करने से पहले कि अगर आप ये code use करेंगे then you will get the best of discounts from Maruti Suzuki Nexus Science City. So guys, do use this code and do come to this showroom and do purchase this car or any other car from Maruti Suzuki Nexus. So guys, that was my video for today. I will surely see you in my next one. Till then, ciao.